आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है, फौजी को दिया इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी शॉप नंबर 13 एंड 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, इंडियाज नंबर वन कस्टमर सेटिस्फेक्शन ब्रांड विद 99.5% सेटिस्फाइड कस्टमर्स। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध पर विवादित बयान दिया है। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नांडी गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध को छोटी लड़ाई बता दिया। भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर पर जुबानी हमला बोलने के चक्कर में उन्होंने कारगिल युद्ध को ही छोटा बता दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपना टिकट एक पूर्व फौजी को दिया है क्योंकि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था, लेकिन कारगिल युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, सिर्फ अपनी धरती से पाकिस्तानियों को खदेड़ना ही तो था। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वे बहुत बड़े सैनिक रहे हैं और विजय उन्होंने ही हासिल की हो। भाजपा ये सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के वोट हासिल कर सके, लेकिन जनता ने सोच समझकर विकास के नाम पर अपनी मुहर लगानी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके की होची राजनीति जो आज भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो तो राजे थे, रजवाड़े थे और हम आम जनता की बात करते हैं। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है, फौजी को दिया इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी, उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल की है, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना। वो चाहते हैं कि एक्स सर्विस मैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए, तो इस तरीके का प्रचार ये लोग बीच में लोगों के बीच में जाके करेंगे। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है और आपने केवल विकास देखना है। वहीं इसके बाद प्रतिभा सिंह ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन जनसभाओं को संबोधित किया और वोट मांगे। उन्होंने जांच में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि प्रदेश में जो विकास हुआ है वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावी मुद्दे तैयार करके लोगों को बांटने का काम करती है। कभी राम के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है तो कभी मोदी के नाम पर। जो भी सपने लोगों को दिखाए गए हैं वे आज दिन तक पूरे नहीं हुए। जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब जानते हैं जब जब इलेक्शन आता है तो नए नए मुद्दे की तलाश। कितने इलेक्शन हमने भी देखे जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश के वासियों को बांटा और ये कहा कि हम धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहते। आपने राम का नारा भी दिया, अयोध्या में मंदिर बनाने की बात की, बहुत बहुत बातों पर इन्होंने चुनाव लड़े। उसके बाद आप देखते हैं कि मोदी जी का नारा चला हर क्षेत्र में, हर मुंह में एक ही नाम था, मोदी मोदी मोदी। लोगों को लगता था कि मोदी पता नहीं हमारे लिए क्या कर देगा, कितने हमारे खाते में पैसे डाल देगा। 15 लाख देने की बात भी उन्होंने कही, 2-2 हजार आपके खाते में भी डाले ताकि लोगों को वो उनका मन जीत सके। आज आप देखो वो 2 हजार भी अगर आपके खाते में पड़ा होगा, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको जमा करने में भी पैसे कटते हैं, निकालने में भी पैसे कटते हैं। ये एक नई नीति चला दी इन्होंने और उस तरीके से लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं आप सब जो जानते। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।